हाय स्टूडेंट्स, सो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि मैं आपसे आज सोसाइटीज के बारे में और उससे सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हमें क्या मिलते हैं डिस्कस करूं। बट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डायलेमा कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। फाइनली टुडे आई रियलाइज कि मेरा ये चैनल बनाने का होल सोल पर्पस ही यही था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ कैंडिडली बात कर सकूं और उनको वो पर्सपेक्टिव और व्यूज दे सकूं जो मुझे लगता है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सो आपको क्या लगता है कि बुक्स के साथ साथ क्या कॉलेज की सोसाइटीज भी इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें क्या सिखाती हैं? अब बुक्स का तो एक सेट करिकुलम है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ये नहीं। बट सोसाइटीज का क्या ऑब्जेक्टिव है? आप अपने हिसाब से वॉट एवर यू थिंक यू कैन पुट इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स। फॉर मी आई टेल यू अ स्टोरी बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटीज। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आई सर्व्ड इन द ग्रेट इंडियन आर्मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द कमिशनिंग ऑफ विमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। सो व्हेन आई वाज अ यंग कैप्टन मेरा फर्स्ट यूनिट पंजाब में था, हमारे यूनिट में कोर डे सेलिब्रेशन था और उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे एंड दैट वाज द टाइम मैं बैठ के एक डेकोरेशन पे काम कर रही थी। तो माय फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ही केम एंड ही सेड, कैप्टन गेट अप, दिस इज नॉट योर जॉब, यू गॉट लार्जर थिंग्स टू लुक आफ्टर, यू गॉट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर ट्रूप्स, यू गॉट टू लुक आफ्टर दैट देयर फैमिलीज हैव ईटन और नॉट, यू गॉट टू सी वेदर देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल और नॉट, वेदर दे आर इन हेल्दी कंडीशन और नॉट। सो आपको बड़ी चीजें करनी है एज अ लीडर, योर पीपल कैन टेक केयर ऑफ इट। उस वक्त मुझे बात बहुत ज्यादा समझ नहीं आई। बाद में वेन आई लेफ्ट इंडियन आर्मी आफ्टर सर्विंग फॉर मेनी ईयर्स एंड ज्वाइन द एजुकेशन सेक्टर, आई स्टार्टेड अटेंडिंग अ लॉट ऑफ सेमिनार्स ऑफ वेरियस IIMs थ्रू डिजिटल मोड। आई एम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सो आई गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लिसन टू मेनी लर्नेड बी स्कूल सीनियर प्रोफेसर्स एंड दे वुड ऑलवेज टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट कॉल्ड OBE विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड दे वुड ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन वन थिंग कि OBE इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एनी बी कॉलेज। स्टूडेंट्स OBE को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझते और वो शायद उसको पढ़ते भी नहीं होंगे बिकॉज हमारा मेन फोकस हम रहता है टुवर्ड्स फिनेंस, टुवर्ड्स मार्केटिंग, टुवर्ड्स सेल्स, टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स विच आर टॉट इन बी स्कूल्स। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस कॉलेजेस की सोसाइटीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और जब मैंने उन सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया तो आई रियलाइज दैट जो सोसाइटीज में लर्निंग है, आप सीखते हैं कि आप इवेंट्स कैसे मैनेज करते हैं बिल विद द जीरो एरर सिंड्रोम, आप सीखते हैं कि आप बड़े बड़े पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं, आप अपना लाइजनिंग करते हैं, आप अपना नेटवर्क बिल्डिंग करते हैं, आप अपना CV बिल्डिंग करते हैं, आप अपना प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कभी कभी इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू प्लेसमेंट्स भी मिलता है। बट क्या ये सब करने से विल यू बिकम दी सक्सेसफुल प्रोफेशनल? लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर सबॉर्डिनेट्स, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर कलीग्स। एंड उसका सबसे पहला टेस्ट आपको मिलता है जब आप सोसाइटीज के प्रेसिडेंट्स बनते हैं, जब आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं कॉलेज सोसाइटीज में। वो एक रेप्लीकेशन होता है ऑफ द प्लेस वेयर यू वुड बी वर्किंग इन द फ्यूचर एंड एज अ सोसाइटी प्रेसिडेंट, एज अ सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट, एज अ सोसाइटी ट्रेजरर और सेक्रेटरी। इफ यू आर एबल टू कीप योर टीम टूगेदर, इफ योर फोकस इज टूवर्ड्स टीम बिल्डिंग, इफ यू आर एबल टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर जूनियर्स, आपके फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बिल्कुल नए नए स्कूल से कॉलेज में आते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो मैक्सिमम काम करते हैं, अगर आपने उस वक्त उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को, उनके उनका हार्ट विन कर लिया, देन आई कैन इंश्योर यू दैट एवरी इवेंट दैट योर सोसाइटी विल होस्ट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। बिफोर यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट एक माइक्रो लेवल पर इस सोसाइटीज में मिल जाता है। इसके सिवा
कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्या सोसाइटी जरूरी है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैं वो भी वीडियो आपके लिए प्ले करती हूँ सो दैट यू गेट द होलिस्टिक व्यू. अभी जो मैंने बोला वो मेरे पर्सनल ओपिनियन थे एंड आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई शेयर देम विद यू. हाउ डू दीज सोसाइटीज हेल्प स्टूडेंट्स गेट ईदर प्लेसमेंट्स और मे बी इन देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जस्ट इलेबोरेट अ बिट ऑन दैट. So societies are the major part of your college life. So beyond your department, beyond being in the classes, people are found to be in activities associated with the societies. So like in particular, if you can talk about my experience, so I was an active member until the first and second year of my college. And like currently, I'm not a very active member. I've left the society because I'm preparing for an examination that requires more time commitment. But while I was in the society, there's so much exposure in the English Debating Society. You go to several colleges, you interact with so many people, you socialize so much. So it gives you a lot of knowledge about how people think, what are different thinkings that people have. It gives you a lot of awareness, in particular about the Debating Society. But beyond Debating Society also, Ibtida, the Drama Society of Hindu College, is also very famous. And the same benefits, exposure, socialization, personality development, that definitely is a plus one which societies give you. And it's a must have. If you are in a college and you can have that sort of opportunity, that sort of opportunities and exposure, you should definitely be a part of any society in college. There is a dancing society, Srija. There's several societies. There's a placement cell, there's an internship cell, there's a caucus, which is a discussion forum. I think any and any kind of co-curricular interest that you might have, the college will have a society associated to that. So basically, you should just go ahead and participate and capitalize on any opportunity that college can give you to develop a holistic personality. So I hope you'll turn out to be wonderful leaders of tomorrow. Please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also.